हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि एक बच्चा या बड़ा या लेट एडल्टहुड या हमारे ओल्डर एज के लोग सभी को हर एक फेज़ में किसी न किसी प्रकार से साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की या हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम एक या दो बार या वंस कंसल्ट करके भी चीज़ों को रिसेटल हो जाती हैं चीज़ें प्रॉब्लम से। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है बच्चों का। मेरे पास मैक्सिमम केसेस जो अब आ रहे हैं वो कई बार थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लाइक 4 साल या 5 साल, उस टाइम पर भी बच्चों के बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चा बोलता नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने सभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब ये जान लें, अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा किड जो कि 2.5 में हो गया है और नहीं बोल रहा है या समझता सब कुछ है लेकिन कम्युनिकेट नहीं करता, रिसेप्टिव लैंग्वेज इज़ अवेलेबल एंड द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इज़ नॉट अवेलेबल और स्पीच इज़ आल्सो नॉट प्रेजेंट, लाइक चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग बैबलिंग, चाइल्ड इज़ नॉट इमिटेट द साउंड्स लाइक एनिमल साउंड्स एनीथिंग, इफ द चाइल्ड इज़ अनेबल टू रेसिप्रोकेट टू देयर पी ग्रुप किड्स और विद देयर सराउंडिंग पीपल्स, तो जस्ट वेरी नेसेसरी टू अर्लियर इंटरवेंशन बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। तो उसे वहाँ पर ही अगर 2.2 एंड 2.5 में अगर होम बेस प्लान हम देख करके पेरेंट्स को ये बता देते हैं, उनके डू एंड डोंट्स क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर बच्चा अर्लियर सेव हो जाता है। अगर वो किसी क्रॉनिक डिसेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है, डिलेड फीचर की तरफ जा रहा होता है, हमारा ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ अगर बढ़ रहा होता है, तो वो वहीं पर उसको एक रोक, जिसे कहते हैं रुक गया, बच्चा उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाता। अदरवाइज जब पेरेंट्स 3.5 साल 4 साल 5 साल पर मेरे पास बच्चा लाते हैं तो बहुत अफसोस होता है कि ये बच्चा जब 2 साल या 2.5 साल में ही स्पीच क्रिएट हुई फिर बैक चली गई या क्रिएट ही नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रही बट उसकी रेसिप्रोकेसी और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का बहुत अभाव रहा, वहाँ पर एक टाइम निकल चुका होता है जो फर्स्ट इंटरवेंशन शुड बी ऑन 2.5 ईयर्स ऑफ एज। तो प्लीज़ आप सभी लोग, जहाँ पर भी किसी का भी बच्चा अगर थोड़ा सा भी छोटा है और नहीं बोलता, प्लीज़ आप इमीडिएट अपने आसपास या हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर हमसे कॉन्टैक्ट करें और बच्चों को किसी भी डिसेबिलिटी की तरफ बढ़ने से बचाएं। और ये मेरा, आपका और हम सब का दायित्व है कि हम इस देश के बच्चों को, उनको एक स्वस्थ जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ाएं। और आप सभी पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों की उन सभी कंडीशंस को अर्लियर डिटेक्ट करें। बच्चा लिखता नहीं है, बच्चा कॉपी फाड़ रहा है, बच्चा अपने याद नहीं कर पा रहा, बच्चे के साथ कंटिन्यूस बैठना ही पड़ रहा है उसकी, वो अपने आप से कुछ भी नहीं लिख पा रहा या वो याद ही नहीं कर पाता। प्लीज़ अर्लियर इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर द किड्स, फॉर द टोडलर्स इन 2.5 एंड फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इन 4 to 6 years ऑफ एज। अगर हम इन दोनों एजेस पर इनिशियली एक इंटरवेंट कर लेते हैं और एक असेसमेंट प्लान हमारा बन जाता है, वहीं पर हम अब एजुकेटर्स को, टीचर्स को, स्कूल और पेरेंट्स सभी को कम्युनिकेट कर देते हैं कि आपके डू एंड डोंट्स के एरियाज क्या होने चाहिए, और अर्लियर हमारा असेसमेंट हो जाता है कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। तो आप और हम सभी मिलकर इस मुहिम में आगे बढ़ें जिससे कि हमारे देश का हर बच्चा स्वस्थ हो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।